निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में तूफान अपने चरम पर पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निसर्ग तूफान आज दोपहर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग के दक्षिण में टकरा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों तक घर के भीतर रहने की अपील की है। कहा जा रहा है कि बीते सालों में ये पहली बार है जब कोई शक्तिशाली तूफान मुंबई से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने मीडिया को बताया कि आज सवेरे अरब सागर में बन रहा ये तूफान एक गंभीर चक्रवर्ती तूफान में बदल गया है और तूफान के केंद्र में इसकी स्पीड फिलहाल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन कौन से इलाके कितने प्रभावित हो सकते हैं? इतनी स्पीड से हवा चलने से पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली और टेलीफोन के खंभे उखड़ सकते हैं या गिर सकते हैं। इस दौरान मिट्टी से बने घर, फूस और टीन की छत वाले घर टूट सकते हैं। इसके अलावा होर्डिंग्स भी उड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि जिस इलाके में यह तूफान टकराएगा वह शहरी इलाका है, लेकिन इस कारण वहां झुग्गियों को खासा नुकसान पहुंच सकता है। हम ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जिले में इस कारण तेज हवा चलेंगी और ये तीनों जिले इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। तूफान के कारण समुद्र तट से कम ऊंचाई वाले ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जैसे इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ समंदर में 1 से 2 मीटर तक की ऊंचाई में लहरें भी उठ सकती हैं, जो समुद्र तट के इलाकों में नुकसान कर सकती हैं। इस तूफान के कारण एक ही समय पर तेज हवाएं चलेंगी, भारी बारिश होगी और समंदर में तेज लहरें भी उठेंगी। इस कारण इसे मल्टी हैजर्ड यानी एक साथ कई जोखिम वाला तूफान कहा जा रहा है। फान निसर्ग का व्यास करीब 400-500 किलोमीटर का है और करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में तूफान की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। यानी अलीबाग को पार करते वक्त इसके आसपास के 100 से 145 किलोमीटर के इलाके को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेगा। इसी कारण हम कह रहे हैं कि इससे सबसे अधिक प्रभावित ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जिले होंगे। इसके साथ रत्नागिरी, पालघर और सिंधुदुर्ग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ साथ गुजरात के वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। हवा की ये स्पीड करीब 6 घंटे तक रहेगी, यानी शाम के 7 से 8 बजे तक ऐसे हालात रहेंगे और फिर हवाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके बाद मध्य महाराष्ट्र होते हुए ये आगे बढ़ेगा और पुणे, नासिक, अवध नगर, औरंगाबाद में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं।